सेना का डिस्ट्रॉयर तैयार। अमेरिकी नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात। बम बरसाने के लिए लड़ाकू विमान तैयार। साउथ चाइना सी में विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट तैयार। अमेरिका को जवाब देने के लिए साउथ चाइना सी में चीन के भी डिस्ट्रॉयर से गाइडेड मिसाइल तक तैनात हैं। समंदर के इस हिस्से पर तनातनी और बढ़ती जा रही है। अमेरिका पहले ही साउथ चाइना सी पर चीन के दावों को खारिज कर चुका है। अब प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। उधर चीन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन साउथ चाइना सी में उपद्रव की भूमिका निभा रहा है। हमें साउथ चाइना सी में बहुत जबरदस्त टेंशन है। इनकी मुख्य वजह है चीन की दादागिरी। चीन और जितने भी देश है, जैसे ताइवान है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, इंडोनेशिया, वियतनाम है, सबके सबकी जमीन के ऊपर, सबके सबके पानी के ऊपर अपना दावा जमा रहे हैं और कह रहे हैं कि 9-9 तक जितना भी पानी है, जितनी भी एयरस्पेस है, ये सब मेरी है। अमेरिका ने अपने दो ग्रुप वापस दिए हैं, जिससे काफी बड़े पैमाने पर टेंशन बढ़ गया है। और अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि अगर चीन इंटरनेशनल नॉर्म्स का पालन नहीं करेगा तो अमेरिका जो है हर प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं अपने एसेट्स को और अपने एनआईए को बचाने के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तनातनी का अंजाम क्या होगा। पहले ये भी जान लीजिए अमेरिका के कौन कौन से हथियार चीन को रोकने के लिए साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं। अमेरिकी नौसेना का डिस्ट्रॉयर नॉर्थ जॉनसन, इसमें लगी मिसाइलें आसमान में लड़ाकू विमानों को मार गिराने से लेकर समंदर में छिपी पनडुब्बियों को डुबोने में सक्षम है। ये समंदर से जमीन पर भी टारगेट को पलट झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकता है। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्स और यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी साउथ चाइना सी में पहुंच चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब समंदर की लहरों पर चलता फिरता किला, जिससे लड़ाकू विमान लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। अमेरिका ने चीन के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए B-52 बम वर्षक विमानों के बेड़े को भी भेज रखा है। तो चीन ने भी साउथ चाइना सी में अपनी घातक मिसाइलों से लेकर नौसेना के जंगी जहाजों को आगे कर रखा है। इसमें गाइडेड मिसाइलों से लैस फ्रिगेट यूलिन, गाइडेड मिसाइलों से लैस फ्रिगेट चुचांग, गाइडेड मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर वुहान, न्यूक्लियर मिसाइल डेंग बेंग 21D और 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम CF-26 मिसाइलों को आगे कर दिया है। साउथ चाइना सी चीन का एक महत्वपूर्ण कारोबारी रूट है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का ये हिस्सा 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना दावा करते रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अकूत खजाने से भरे इस समुद्री इलाके में जीवों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। इस बड़े समुद्री क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता रहा है, इसीलिए लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में साउथ चाइना सी में अब चीन के दावे को अमेरिका ने सीधे खारिज कर दिया है। और मिलिट्री प्रेजेंस को देखा है, मेक्स इट वेरी सूटेबल है और अवेलेबल प्लान। किसी भी तरह के युद्ध को टालना, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि क्वाड का हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार में बनाया जाना चाहिए। जिनका मानना है क्वाड का हेडक्वार्टर बनाने की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल इसी
से चीन अपना सबसे ज्यादा व्यापार करता है। चीन के कार्गो जहाज इसी रास्ते से यूरोप और खाड़ी देशों तक आते जाते हैं। अरब सागर होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक जाने के लिए चीन के तीन मुख्य रास्ते हैं। पहला मलक्का स्ट्रेट, दूसरा सुंदा स्ट्रेट और तीसरा बांदा रूट। चीन अपना सबसे ज्यादा कारोबार मलक्का स्ट्रेट रूट से करता है, जिसे कभी भी इंडोनेशिया या भारत बंद कर सकता है, तो सुंदा स्ट्रेट रूट को भी बंद करना बहुत मुश्किल नहीं। क्वाड के जरिए ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है, ऐसे में चीन के बाकी बचे तीसरे समुद्री रूट बांदा को ऑस्ट्रेलिया बंद कर सकता है। ऐसे में चीन को डर सता रहा है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की दोस्ती कहीं समंदर में उसके इरादों पर पानी न फेर दे। पोर्ट ब्लेयर से संजीव कुमार गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सरहद पर चीन पोर्ट ब्लेयर सेना को करने के लिए भारतीय सेना को क्या चाहिए? छोटा टैंक। चीन के किनारे फिंगर एरिया में चीन को जवाब देने के लिए भारतीय फौज को क्या चाहिए? छोटा टैंक। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी सरहद पर ऐसे ही मुश्किल पहाड़, नदी और घाटियां हैं, जहां तक पहुंचना आसान नहीं। इसी मुश्किल भूगोल का फायदा उठाने की फिराक में हमेशा रहता है चीन। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर ड्रैगन की हवा टाइट करने के लिए भारत ने लाइट टैंक खरीदने की तैयारी कर ली है। अभी जरूरत है भारत को लाइट टैंक की, जो रैपिडली डिप्लॉयबल हो, जो प्रोटेक्शन जिसके अंदर भी हो, फायर पार्क की प्रोटेक्शन और मोबाइल फायर पार्क का तगड़ा होना चाहिए। इसके अलावा सिटीजन एंगेजमेंट की भी खास जरूरत है और 22 टन तक का हो और जो 3000 मीटर तक के एल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सके और जिसकी गन की रेंज तकरीबन 2 किलोमीटर रेंज होनी चाहिए। ये मद्देनजर रखकर लाइट टैंक का प्रोक्योरमेंट। लद्दाख की गलवान घाटी हो या हॉट स्प्रिंग एरिया, पैंगोंग झील का किनारा हो या दौलत बेग गोल्डी का इलाका, हवाई जहाज से पलभर में इन छोटे टैंकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में लाइट टैंक बहुत कारगर है। हल्के होने की वजह से ये दुश्मनों का तेजी से पीछा करने में सक्षम है। ये नदी झील को तैर कर पार करने में भी सक्षम है। अब महसूस कर रहे हैं कि टैंक अगर बहुत ज्यादा लाइट हो तो आप ऐसे पहाड़ी इलाके में लाइट टैंक का बहुत ज्यादा फायदा होता है और उसको आप एक जगह से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर से ले जा सकते हो, जैसे चिनूक से, जैसे आप M777 लेते हो। तो भारत आने वाले टाइम में सोच रहा है कि ऐसे लाइट जो वेट। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल में जब चीन ने एलएसी के पास हल्के टैंक तैनात किए, उसके बाद से भारतीय फौज ने ऐसे टैंकों की जरूरत महसूस की। एलएसी से सटे इलाकों में भारत सड़कों का अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के संकट में हल्के टैंक आने के बाद से एलएसी पर चीन को तुरंत जवाब देने में मदद करेगी। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो लाइट यानी हल्के टैंक बनाते हैं। चीन लाइट टैंक बनाता है लेकिन हम उससे खरीद नहीं सकते। अमेरिका के हल्के टैंक अभी शुरुआती दौर में है। रूस के पास SDM-1 लाइट टैंक है जो बहुत हद तक भारत में इस्तेमाल हो रहे T-72 और T-90 से मिलते जुलते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि टैंक अपने प्रचंड प्रहार से मैदान जंग का रुख बदलने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हिंदुस्तान ने आजादी के बाद कश्मीर ऑपरेशन और 1962 में चीन युद्ध में हल्के टैंकों का इस्तेमाल किया था। सरहद के मिजाज को देखते हुए भारतीय फौज अपने सर्कस में लाइट टैंकों को जोड़ने की कवायद कर रही है। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अभी वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि